हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीपी। मैं हूं आप लोगों का दोस्त प्रणव, और इस वीडियो में यहां पे बात करने वाले हूं iOS 18 जो आया है, एप्पल का अपडेट। कई सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो हैं वो लोग तरह तरह के फीचर्स बताएंगे जो हाई एंड डिवाइसेस में सपोर्ट करता है, जैसे कि आईफोन 14 हो गया, 14 प्रो, 15, 15 प्रो। पर अगर आपके पास आईफोन 13 है, 12 है, 11 है, 10 है, अर्थात आईफोन एक्स है, तो ये सारे फीचर्स आपके डिवाइसेस में भी आएंगे। यहाँ पे मैं जिन सारे फीचर्स के बारे में बात करूंगा, अगर आपके पास iOS 18 का अपडेट आ चुका है, आपने अभी तक अपडेट नहीं किया है, तो आप हमारे वीडियो देख सकते हो जहाँ पे हमने iOS 18 का अपडेट किया है एंड वो सेफली हो भी गया है, कोई ग्रीन लाइन वाइन का इशू है नहीं। और यहाँ पे ये सारे इन्फॉर्मेशन जो मैं अभी बताने वाला हूँ, जो फीचर्स मैं बताने वाला हूँ, ये सब अनलॉक हुआ है। तो अगर आपके पास एक लो एंड आईफोन है, अर्थात आईफोन का मतलब थोड़ा पुराना जनरेशन वाला है या फिर नॉन प्रो है, तो आप ये वीडियो डेफिनेटली देख सकते हो। ये वीडियो आपके लिए काफी कारीगरी साबित हो सकता है। आपने iOS 18 का अपडेट कर भी लिया, तो आपको मैं ये सारे फीचर्स के बारे में बताऊंगा। एंड ट्रस्ट में, यहाँ पे कई सारे फीचर्स हैं जिनके बारे में शायद आपको पता भी नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिस्ट बना लिया है, तो ये देखो भाई, हमारा भी लो एंड आईफोन ही है एंड मेरा यहाँ पे ये सारे फीचर्स बखूबी काम कर रहा है, आपका भी करेगा। ये है 12 मिनी। तो यहाँ पे सबसे पहले है होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन। तो डिस्प्ले में आप देख सकते हो कि होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन इस बार हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। होम स्क्रीन में हम लोग इस बार ऐप अपने मन मर्जी के हिसाब से नीचे ऊपर कर सकते हैं, एडिट में जाके कस्टमाइज कर सकते हैं, एडिट पेजेस कर सकते हैं, ऐड विजिट कर सकते हैं। विजिट में भी अलग अलग ऑप्शन आया है। इनफैक्ट आप इस बार अगर ऐप के ऊपर क्लिक कर रहे हो, मानो कि अभी गूगल के ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पे भी कस्टमाइजेशन का मतलब यहाँ पे विजेट्स के लिए अलग अलग ऑप्शन है। यहाँ पे 3 ऑप्शन आप लोग देख सकते हो, अलग अलग है, आप अपने हिसाब से, अपने शेप के हिसाब से जो है विजेट सेट कर सकते हो। तो नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे जो है ऐप लॉक एंड हाइड कर सकते हो आप इस बार। तो गाइज देखो, यहाँ पे जो है आप किसी भी ऐप के ऊपर टैप करके यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फेस आईडी रिकॉर्ड, ऐसा कुछ करके रिकॉर्ड फेस आईडी, ये आपका फेस आईडी से अनलॉक हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। कोई आपके अलावा, आपके आंखों के अलावा कोई इसे खोल नहीं सकता, आपके काली काली आंखों के अलावा। और यहाँ पे एक नया ऐप भी इंक्लूड कर दिया गया है जो पासवर्ड करके आ रहा है। यहाँ पे आप कई तरह के पासवर्ड सेव कर सकते हो, जैसे कि वाईफाई का पासवर्ड हो गया, बहुत सारे चीज हो गया, यहाँ पे सेव रहता है पहले से, आप यहाँ पे सेव कर भी सकते हो अपने हिसाब से। बात करता है नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन। तो आप लोग देख सकते हो मेरे को काफी जरूरत पड़ता है लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन पे। यहाँ पे वॉइस रिकॉर्ड एंड यहाँ पे कैमरा। तो कैमरा तो पहले से था, फ्लैश लाइट दिखाता था एंड यहाँ पे सिर्फ कैमरा था, तो मैंने कैमरा को नहीं हटाया। मेरे को सर्टेन ऐसे फोटो लेना होता है, तो मैंने इसी तरह से यहाँ पे क्लिक करके रखू तो खुल जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे जो है, मैंने साउंड रिकॉर्ड सेट करके रखा है फ्लैश लाइट की जगह। फ्लैश लाइट से ज्यादा मेरे को जरूरत पड़ता है साउंड रिकॉर्ड का, ऑडियो रिकॉर्ड का, क्योंकि भाई कौन क्या कर दे, किसी बिजनेस मीटिंग में किसी के साथ बात करने के टाइम मेरे को ऑडियो रिकॉर्ड करने का जरूरत पड़ता है। भाई मैं उस तरह का बंदा हूँ कि एविडेंस रहे भाई हाथ में, तो इसीलिए ये आप अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो फीचर है ये है सफारी डिस्ट्रैक्टिव आइटम, उसे हटाना हो गया। जैसे कि अभी मेरे यहाँ पे सफारी पे अगर मैंने कोई भी वेबसाइट मान लीजिए खोल लिया, मैंने यहाँ पे एड शो कर रहा है, मान लीजिए ये गूगल का जो लोगो है, ये एड है। बाय द वे अन्नदाता, बुरा मत मानिएगा गाइस, गूगल ने हमें भीख दिया था कुछ दिन पहले, 17 रुपए आया था एक दिन का इनकम। तो खैर जो भी हो, मैं यहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पे जो है किसी भी आइटम को मैं अगर सिलेक्ट करके हाइड कर रहा हूँ, तो वो ऑप्शन वहां से गायब हो जाएगा डन करते ही। फिर आप उस जो फोटो है एड है उसके मतलब बिना आप यहाँ पे ब्राउजिंग का मजा उठा सकते हो। तो इस बार एड मतलब एप्पल में आप अपने तरीके से हटा सकते हो। नोटिफिकेशन पैनल कस्टमाइजेशन जो है, ये एक ऑप्शन हो गया। तो ये जो नोटिफिकेशन पैनल आप देख रहे हो, मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे जो है मतलब बना रखा है, तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो इस एप्स को जो है। ये जो नोटिफिकेशन आइकन है, इसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो एंड यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, तो ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट हो गया। बाकी यहाँ पे अगर दूसरा पॉइंट का बात करें, वो है यहाँ पे जो है T9 डायलर, जिसे हम लोग कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे किसी का नाम है, सपोज मान लीजिए मेरा नाम प्रणव है, मैंने P डायल किया, R डायल किया, यहाँ पे मेरा ऐसे नंबर के साथ ऐसे मेरा जो है आ रहा है, तो ये चीज आपको बहुत पहले एंड्रॉइड में देखने को मिलता था, अभी से आपको ये मिल जाएगा, आपको जो है एप्पल में भी देखने को मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन जो है, हम लोग ये कह के क्रिटिसाइज डेफिनेटली नहीं करेंगे कि भाई एप्पल में इतने साल बाद आया तो है भाई, ये बड़ी बात है। तो गाइज ये वीडियो में अगर पूरा सारे ऑप्शंस के बारे में बताने जाओ, सारे फीचर्स के बारे में बताने जाओ, तो बहुत लंबा हो जाएगा।
आप बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पार्ट टू इसी के साथ साथ ही अपलोड होगा, एक ही दिन में अपलोड होगा, तो पार्ट टू के लिए इंतजार करें। और ऐसे इंटरेस्टिंग फीचर्स जो है, छोटा छोटा फीचर जो काम आता है, इन सारे फीचर्स के बारे में जानने के लिए और भी ढेर सारे हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके